मसूरी नगर प्रशासन स्कूटी टैक्सी चालकों के खिलाफ जांच अभियान चला रहा है। एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी ने परिवहन और नगरपालिका की टीमों को स्कूटी टैक्सी चालकों के लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों की जांच के आदेश दिए हैं। एआरटीओ राजेंद्र विराटिया ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा मसूरी में 44 लोगों को टैक्सी स्कूटी के लाइसेंस दिए गए हैं। वहीं एक लाइसेंस में 5 स्कूटी संचालित की जा सकती है, परंतु देखा जा रहा है कि उससे कई अधिक स्कूटी फर्जी तरीके से मसूरी में संचालित की जा रही है, जिनकी जांच की जा रही है। यहाँ पर काफी लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि जिस जगह से सभी लाइसेंस धारकों ने अपना लाइसेंस स्पेस दिखाया था, उनके पास वो पर्याप्त मात्रा में स्पेस यहाँ पर वाहन खड़ा करने का नहीं है, जिससे जो है यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है। इसके लिए जो है यहाँ पर एक सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे लाइसेंस धारकों के पास जो है प्रॉपर स्पेस, प्रॉपर टॉयलेट और ऑफिस यहाँ पर नहीं पाया गया है। इनके खिलाफ हमने जो है रिपोर्ट अभी तैयार करके इनके लाइसेंस निलंबन की जो है कार्यवाही जो है की जाएगी। इस दौरान अधिशासी अधिकारी राजेश नेथानी ने बताया कि स्कूटी टैक्सी लाइसेंस में अगर अनियमितता होगी तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। नहीं, जितनी ये कॉमर्शियल स्कूटी है ये शहर के विभिन्न मुख्य रोडों पर खड़ी हो रही है और इससे यातायात प्रभावित हो रहा है, तो एसडीएम साहब ने निर्देश दिए थे कि इसका एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन कर लिया जाए कि कहाँ के लाइसेंस पर इन्होंने गाड़ियाँ ली है और कहाँ से इनकी गाड़ियाँ चल रही है। तो उसी क्रम में आज एआरटीओ साहब के साथ ये साइट विजिट कर रहे हैं और इनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि ये कहाँ से, इनका रजिस्ट्रेशन कहाँ का है और ये कहाँ से अपनी गाड़ियाँ चला रहे हैं।